बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं N24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले एक अहम खबर आपको दे रहे हैं कि कौमी असम्बली की पार्लियामेंट्री कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास आज सुपहर 3 बजे होगा। इजलास की सदारत स्पीकर राजा परवेज अशरफ करेंगे। इजलास 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई, जबकि मीडिया और दीगर गैर मुतल्लिका शोबाजात को दाखिले से भी रोक दिया गया है। शोबा इंतजामिया की जानिब से मरासला भी जारी कर दिया गया है। इजलास आज सुपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा और इजलास की सदारत स्पीकर राजा परवेज अशरफ करेंगे। और अब बात करते हैं मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना वायरस की, कि कोरोना वायरस के वार मुल्क में तेजी से जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 653 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.45% रिकॉर्ड की गई है, जबकि मुल्क भर में 162 मरीजों की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। 24 घंटों में 18,950 कोरोना टेस्ट किए गए थे, जिनमें से 653 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। मौसम की बदलती हुई सूरत हाल, आखिरकार कराची में बादल बरस ही पड़े। बारिश का सिलसिला सहराब गोश, गुलशन ममार, नॉर्थ कराची और गुलिस्तान जौहर सरचानी टाउन से शुरू हुआ। शारे फैसल डिफेंस, नासिम आबाद, नॉर्थ नासिम आबाद और न्यू कराची में भी बारिश। बारिश के बाद रोड्स पर पानी जमा हो गया। और मानसून बारिशों का सिलसिला अब सिंध में भी मौजूद है। कराची में आज भी बेशतर इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।